नमस्कार। आजादी के 75 वर्षों की विजय माला में गुथे पुष्पों के साथ हम फिर हाजिर हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। इस माला में गुथा हर फूल प्रतीक है त्याग और बलिदान की अमर गाथा का। आइए सुनते हैं मास्टर सूर्य सेन की कहानी एमपीएस की जुबानी। ये कहानी है चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन की। इस क्रांतिकारी को बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। पेशे से एक शिक्षक, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा बुलाते थे। कहते हैं इन्होंने अंग्रेज सरकार को सीधे चुनौती दी और इनकी वीरता और साहस से सरकार हिल गई। सूर्य सेन का जन्म ब्रिटिश शासन में चटगांव बंगाल में हुआ। आजादी की लौ तो विद्यार्थी जीवन में ही जल गई थी। जब वो एक विद्यार्थी थे तभी एक राष्ट्रप्रेमी शिक्षक की प्रेरणा से वो बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। उस समय वे केवल 22 वर्ष के थे। यहीं से उन्हें प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के बारे में पता चला। बस वहीं से वो प्रभावित हो गए। फिर क्या था, मास्टर दा ने युवाओं को संगठित कर भारतीय प्रजातांत्रिक सेना नाम का संगठन खड़ा किया। कहते हैं 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने ब्रिटिश हथियार जत्ते को लूट लिया। उनका ये विद्रोह अपने दुस्साहस और योजना के कारण हिंदुस्तान के इतिहास में याद रखा जाता है। उस समय सेन ने 500 बच्चों की एक फौज बनाई, जिनमें से कुछ लोगों को ब्रिटिश अफसर बनाकर बैरकों में भेज दिया गया। इन लोगों ने हथियारों पर कब्जा कर लिया। सूर्य सेन इस विद्रोह के बाद छिपते रहे, ब्रिटिशों की गिरफ्त में आने से बचते रहे। 3 साल तक वो ब्रिटिश सरकार की गिरफ्त में नहीं आए। पर कहते हैं ना कि अपने ही धोखा दे जाते हैं। यही हुआ सेन के साथ। उन्हीं के एक दोस्त नेत्र सेन ने 1933 में उन्हें पकड़वा दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सूर्य सेन को कई यातनाएं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बेहोशी की हालत में घसीटते हुए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया ताकि वो फांसी के समय वंदे मातरम का उद्घोष न कर सकें। इसके बाद उनकी लाश को एक बक्से में बंद कर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। कहते हैं कुछ समय पहले सेन ने अपने दोस्त को एक खत लिखा था। जानते हैं क्या शब्द थे? वो शब्द थे, मौत मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, मैं खुश हूं। जानते हो मैंने तुम लोगों के लिए अपने पीछे क्या छोड़ा है? एक सपना, एक आजादी का सपना। उम्मीद है 18 अप्रैल 1930 की तारीख को तुम कभी नहीं भूलोगे। अपने दिल से देशभक्तों के नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना। तो ऐसे थे सूर्यदेव, जिन्होंने हमारे देश को आजादी की राह दिखाई। अंग्रेजों की सरकार जिसने हिला दी, आजादी की राह सबको दिखा दी, मरते मरते भी उम्मीद की लौ जगा दी, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। शत शत नमन।